हम जो नेक्स्ट वीक वो ऑनलाइन शादी वाला सेगमेंट करने वाले हैं ना, अब प्लीज मैं बहुत थका हुआ हूं, कैन वी नॉट डिस्कस वर्क एंड ओके। वैसे भी ये ऑनलाइन लव और एनी अदर काइंड ऑफ लव इट्स नॉट हैपनिंग। व्हाट्स अप? आई मीन तुम आज ज्यादा बात नहीं कर रहे हो, इज एवरीथिंग ओके? इट्स ओवर बिटवीन अस। सॉरी, मेरा ब्रेकअप हो गया। व्हाट? ऐसे कैसे ब्रेकअप हो गया? आपको क्या लगता है डॉक्टर, मुझे शौक है यहाँ पे रोज रोज आने का। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आती हूँ बिकॉज आई रियली थिंक आई एम लूजिंग इट डॉक्टर। डॉक्टर सीरियसली, आई मीन I don't know what to do. I mean, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ करण को भुलाने की, it's just that 40 साल के बुढ़े का परफ्यूम सूंघ के एक पागल साइको की तरह बिहेव करने लगती है। Something seriously wrong with me. I mean, I think I really need medication. मैं भी 40 साल का हूँ। उसे ये तो नहीं कर सकती विशा, कांट फॉरगेट हिम, नहीं बोल सकती उसे कि मैं खुश थी, आई वाज हैप्पी, आई हैड द लाइफ दैट आई ऑलवेज वांटेड एंड इट्स ऑल गॉन बिकॉज़ इट्स इट मी माय Am I that bad? Am I that hard to love? क्योंकि सच यही है कि I was heartbroken. I was sad, I was angry. और मैं अपने अंदर की वो सारी भड़ास, वो सारा गुस्सा बस बाहर निकालना चाहती थी. I just needed an outlet and this was it. Well, let's face it. Men are animals at times. But not all the time. कभी कभार जब you know those little moments, जब हम उनके दिल में झांक के देखते हैं तो हमारी पहचान उस actual इंसान से हो जाती है. वो इंसान जो घंटों आपके साथ बैठे, तब जब आपने शायद मुंह भी ना धोया हो, मेकअप भी ना लगाया हो, probably आप एक डोरमैट से भी बदतर लग रहे हैं, still He's there.